मुझे शादी के बाद मेरी वाइफ ने मेरे को सिखाए हैं, तो बढ़िया बढ़िया घर लग रहे हैं। तो भाजी हूँ पंजाबी सिखाती है अपा हूँ बोली। तो पिछले ब्लॉग में अपने इतना प्यार दिया कि सोचा चलो एक और ब्लॉग बनाते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। टाइम का तो पता ही नहीं चलता कि कब बीत जाता है। अभी अभी की बात है कि मैं मोहाली गया था और वहाँ पे गणेश जी जो विराजमान किए थे घर पे, और कल अब विसर्जन है तो मैं मोहाली निकल रहा हूँ। तो बैग रेडी है, चार्जर भी रेडी है, और ये पतीले लेके जाने हैं वहाँ पे। मेरी शादी की एल्बम आ चुकी है तो वो भी लेके चलता हूँ, दिखा दूंगा दोस्तों को वहाँ पे। कार करते हैं अनलॉक। तो पतीले रख दिए मैंने डिक्की में, तो मम्मी के छूते हैं पैर। तो निकलते फिर मोहाली के लिए और भैया से लेते हैं आशीर्वाद। ततास्तु। जीते रहो। जीते रहो। चलो निकलते हैं। तो भाभी कहते हैं मैं वीडियो में आई नहीं, मतलब मेरे पैर छुए नहीं, तो फिर मैं वो भी कवर कर लेता हूँ। तो जलंधर के ट्रैफिक से मैं बाहर निकल चुका हूँ, और जो मैच फंसा हूँ ना, मुझे पता मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाया। आज हुई है असली मेरी परीक्षा भाई साहब। जो ट्रैफिक था ना, एक नंबर, मतलब कहीं मतलब रुक रुक के चलने वाला, बम्पर टू बम्पर। और इसी चीज़ से मैं डरता था, बट आज मैंने इसको क्लियर कर लिया है। बट मैं बहुत नर्वस हो गया था, बट मैंने चलो भगवान को अपने ईष्ट को याद किया और उस ट्रैफिक से मैं निकल के आ गया। और अब मैं जाऊँगा चंडीगढ़ के लिए। और कुछ आपको नया दिख रहा? हाँ हाँ, मैंने ये बता रहा था ना, मेरी शादी की एल्बम आ चुकी है तो अपने दोस्तों को दिखाऊंगा वहाँ पे मैं। और आपको कुछ कार में न्यू लग रहा है? लग रहा है कुछ न्यू? कपड़े? यस, कपड़े। सीट के भी कपड़े बन चुके हैं, मैं सीट के लिए भी कपड़े, नए नए कपड़े हमने बनवा दिए हैं। प्लस कार स्टीरियो मैंने चेंज करवा दिया। मैंने कहा था ना कि मैप की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने चेंज करवा दिया। इसमें यूट्यूब सब कुछ चलेगा, और एक डैश कैम लगवा दिया मैंने इसमें, और LED भी है, वो रात को आपको दिखाऊंगा। बाकी इस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, ये वीडियो मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको फिर कभी मैं कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सफ़र। इसमें मैप लगाते हैं आगे का। रास्ता तो मेरे को याद है, फिर भी माइंड थोड़ा मतलब कि शार्प रहता है, चीज़ों में देखते रहते हैं ना, तो बंदा कभी कभी फ्लो फ्लो में आगे निकल जाता है। रास्ते मेरे को याद है, फिर भी मैं मैप लगा लेता हूँ सेफ्टी के लिए, जैसे कि डैश कैम लगा लिया। तो मोहाली फगवाड़ा हाईवे पर मैं उतर चुका हूँ, साथ में मैप चल रहा है, और गणपति जी पहले मेरे साथ यहाँ बैठे थे और अब वहाँ पे विराजमान है, जो जैसी उनकी मौज। मस्त गर्मी है, हल्का हल्का ऐसे चल रहा है, बीच बीच में बंद कर रहा हूँ। और मुझे बेंगलुरु की भी याद आ रही है कि मैं कब वहाँ जाऊँगा। हाईवे बहुत क्लीन है यार, हाईवे पे मज़ा आता गाड़ी चला के। तो साहिब ढाबा पहुँच चुका हूँ और 80 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ। भूख तो बहुत जोरों की लगी है, पर कुछ खा नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत जल्दी पहुँचना है वहाँ पे। मैं इसलिए रुका हूँ यहाँ पे कि प्रसाद लेना है मुझे गणपति जी के लिए, फटाफट जाके लेकर आते हैं। खुल जाओ। तो बेसन की बर्फी ले ली है, और सब वहाँ पे शाही पनीर खा रहे थे, मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज। बट अब चलो मोहाली जाके खाऊंगा कुछ, बहुत ही भूख लगी है। खुल जा गाड़ी। ओए गर्मी बहुत हो रही है यार। हाँ अंदर ठीक है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फिर जाना पड़ गया अंदर क्योंकि पानी की बोतल लेना भूल गया था। और कभी भी कार में बैठो तो अपने बूट झाड़ लो, क्योंकि आपका मैट है जो खराब ना हो। और ये वाले मैनर्स मुझे शादी के बाद मेरी वाइफ ने मेरे को सिखाए हैं, करना पड़ता है वरना फिर पता ही क्या होता है। भूख लगी है, पानी से काम चलाते हैं, क्योंकि उल्टा सीधा मैं खाना नहीं चाहता, चिप्स वगैरह बिस्कुट, सीधा रोटी खाऊंगा। तो मोहाली में पहुंच गया हूँ और कार मैंने पार्क कर दी है। पहले पहले शुरू शुरू में दिक्कत आई थी पार्क करने में, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई में है ना पार्किंग, बट आज नहीं आई। बढ़िया। तो सामान सारा निकाल लिया है, चलते हैं अब अंकित के फ्लैट पे। तो 3 बजे मैं अपने दोस्त के घर पे पहुंच गया था। सबसे पहले गणपति जी को किया मैंने प्रणाम, और फिर मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया क्योंकि बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। मैं कार में फोन चार्ज लगाना भूल गया, चार्ज ही नहीं होगा तो वीडियो कैसे बनेगी, तो मैंने फोन चार्ज लगाया। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने बाहर से कुछ भी नहीं खाया था, मैंने सिंपल येलो तड़का दाल खाई जो बाहर से ऑर्डर की थी, और फुल्का खाया, और मोदक, वो कैसे भूल सकते हैं यार। इस फेस्टिवल में तो फिर मन करता है वो खाने का, मोदक खाने का, बहुत टेस्टी था देसी घी वाला, मैंने वो खाया। उसके बाद मैंने पी कड़क चाय क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही थी। फिर भंडारे का खाना बनना शुरू हो गया, हिंदी में भंडारा, पंजाबी में लंगर, उसका खाना बनना शुरू हो गया। सबने अपना अपना योगदान दिया, भले किसी ने 1 मिनट कर्ची चला दी, किसी ने 2 मिनट कर्ची चला दी, बट सबने अपना योगदान दिया। और हर साल की तरह गणपति बाबा जी कृपा से लंगर की मतलब भंडारे की शुरुआत हुई, हिंदी में भंडारा, पंजाबी में लंगर,
और सबने आराम से तसल्ली से बैठ के लंगर खाया और सबको भंडारा खिलाने के बाद फिर हम सब दोस्तों ने बैठ के भंडारा खाया, जिसमें सब्जी बनी थी छोले की और पूड़ी और साथ में मराठी ठेचा, जो चटनी बनती है, जो मराठी हमको पता होगा कि ठेचा क्या है। ठेचा बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही स्पाइसी था, टेस्टी था। और रायता जो मैंने गिलास में लिया, मैं कटोरी कटोरी में नहीं पीता भाई, गिलास में आन दो। चावल की खीर थी, बहुत ही टेस्टी थी। भंडारा थोड़ा ज्यादा हो गया था तो सर ने पाचन शक्ति के लिए बढ़ाने के लिए नींबू और पानी बनाया, बहुत बढ़िया। सब काम मंगलमय हुआ और सब राजी खुशी गए। तो अंकित हर साल गणपति जी विराजमान करवाते हैं अपने घर पे और भगवान की कृपा से वो हर साल करवाए। इतने तो लोग भी नहीं है जितने यहाँ पे कारें खड़ी हुई हैं। और आज है गणेश विसर्जन, गणपति जी आज जाएंगे, अगले बरस फिर आएंगे। तो पिछले साल भी यही कुर्ता पजामा डाला था विसर्जन के टाइम और अब भी यही डाला है। तो चलो चलते हैं, आरती होने वाली है। तो आरती हो गई है और अब निकल रहे हैं हम विसर्जन के लिए। गणपति बप्पा मौर्या। तो गणपति जी विसर्जन कर चुके हैं और अब हम आए हैं मोरिंडा दे विच। ये हैगा पिंड मोरिंडा दा। कितना सुकून है किते ते भाजी नूं पंजाबी सिखाती आपां हुण बोलनी उदां भाजी अपने एमपी तों ने, बट कट कट बोलने लगे। 2 साल तों मोहाली दे विच हैं तां करके नाल पंजाबी आ गई है। आ खलोती गड्डी ते आ नहर ते आपां विसर्जन उत्थे करके आए सी। गांव में कितना बढ़िया लग रहा, कितने बढ़िया बढ़िया घर लग रहे हैं। अरे भाई क्यों लग रहा भाई। तो भैया हम जा रहे हैं घर वापस, घर के अंदर मोहाली वापस जा रहे हैं, घर तो मैं भी जाऊंगा। ये मुच्छड़ बैठे हुए हैं, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है। ये खेत किस चीज के हैं? राइस के खेत है भाई, राइस के खेत है। बड़ा सही लगता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अलग बात है बाहर गर्मी है अंदर एसी ऑन है, इसलिए हमको ठंडी ठंडी वाली फील आ रही है, बेंगलोर वाली और हिमाचल वाली। बट पिंड की फील आ रही है भाई, वाह पिंड है, पिंड है। बता 1-2 लाख 10-20 करोड़ डाल के ना यहाँ पे 25 मरले की कोठी डाल ले। तो अब हमें लगी है भूख और 12 बज चुके हैं और बहुत तेज भूख लगी है और हम नंगे पैर हैं क्योंकि मैं चप्पल पहन के आया नहीं था, कोई भी चप्पल पहन के नहीं आया था, कार में जाना था तब नंगे पैर घूम रहे हम। और हम आए हैं विलेज फूड, जहां मैं पहले भी आया था, आपने मेरा मिनी ब्लॉग देखा होगा, फुल ब्लॉग भी डाला मैंने। तो 12-1 बजे हम मोहाली पहुंच चुके थे और बहुत तेज भूख लगी थी क्योंकि सुबह से किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया था, ऐसे हम निकल गए। रास्ते में मतलब कि रुकना था बट हम रुक नहीं पाए, सोचा कि चलो मोहाली में चलते हैं और वहीं पे ही हम कुछ नाश्ता करते हैं। नाश्ता क्या यार, लंच ब्रंच ही हो गया दोपहर का भी और सुबह का। तो पेट पूजा की पहले बढ़िया से अपना दाल फुल्का खाई हमने और फिर मैं घर पहुंचा, मतलब फ्लैट में पहुंचा अंकित के, और फटाफट पे मुंह हाथ धोए, कुर्ता पजामा उतारा, कपड़े चेंज किए और निकल गए। अब 3 बज चुके, 3 बजे निकला था मैं, अब 4 बज गए हैं और 1 घंटे बाद मैं जलंधर पहुंच जाऊंगा। और ब्लॉग भी बड़ा हो चुका है तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और अच्छी वीडियो में और अच्छे कपड़ों में। अच्छे कपड़े हैं ना, कमेंट करके बताना। बाय बाय।